बिहार में पूर्ण शराबबंदी मानो अभिशाप बन गई है। लोग छिपछिपा कर पीने के चक्कर में जहरीली शराब का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला छपरा जिले के नौरत्नपुर गांव से सामने आया है, जहां जहरीली शराब से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मामले की जानकारी तब सामने आई जब नौरत्नपुर गांव निवासी अखिलेश ठाकुर की शराब पीने के बाद आंखों की रोशनी चली गई, जिसका इलाज पटना के किसी निजी अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान गुरुवार की शाम को उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन बयान बदलने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। पुलिस कटहल की सब्जी और चावल खाने से मौत का बयान दर्ज करवाना चाहती है, जबकि परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है। कैसे मौत हो पीला से कोई के मौत हो फैला तो रहुआ कैसे जाना था कि पीला से मौत हो फैला तो हम कहानी कि पीला से तो अभी सब दिन के यहीं कर अथी रहल खास के नहीं के गांव में जानत की पियत ल उस दिन पुलिस आया तो थाना जैसे क्या है तो अंडर प्रेशर ले थाना प्रूफ मांग रहा है कि हम लोग को शराब की कड़ी मारा है, आप लोग को क्या प्रूफ है, प्रूफ दीजिए। अंडर प्रेशर में लोग कर रहे हैं। उस दिन पुलिस आया तो क्या बोला? और पुलिस आया तो बोल रहा है कि शराब पीने से नहीं मरा है आदमी, बोलिए कि कटहल के सब्जी और चावल खाने से मरा है। जानकारी के अनुसार छपरा में अब तक जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें दसई शाह अखिलेश ठाकुर, तरैया के बिक्की कुमार सिंह, पुखरेरा के संजय पासवान, चैनपुर के नगीना सिंह, मदन मोहन सिंह शामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि शराबबंदी वाले राज्य में आखिरकार जहरीली शराब बेचने का लाइसेंस किसने दे रखा है? वहीं पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी क्या प्रशासन सोती रहेगी या कार्रवाई होगा? देशवाणी उसके लिए छपरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।